सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पिछले 20 सालों से कांग्रेस प्रदेश में सत्ता से बाहर है, बीच में कुछ समय मिला लेकिन सरकार चला नहीं पाए और अभी भी जिस तरीके से कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने जो भाषा बोली वह समूचे कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान है, इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार अभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी है, वो सरकार के लिए उनके निष्ठा और व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, वह बेखौफ होकर जनता की बेहतरी के लिए काम करेगा। प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्यप्रदेश के उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारे तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है, उनकी निष्ठा उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे, सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, जिस तरीके से जीतू पटवारी ने निशाना साधा उसके बाद देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी इस पर प्रहार किया है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कल किसान न्याय यात्रा के तहत नर्मदापुरम में एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया था और उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया और वो कहा है कि अधिकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के नेता जो है वो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है या फिर दूसरी अन्य व्यवस्था है उनको संभालने का काम मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी करते हैं, ऐसे में उनको मनोबल गिराने का काम न करे कांग्रेस। राजनीति करने के और भी विषय है, उन पर आप राजनीति करिए, ये कहना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। कह रहे हैं कि 15 महीने की सरकार आपकी आई थी लेकिन उसको आप चला नहीं पाए और जब मध्यप्रदेश की सरकार सुचारू रूप से चल रही तो उस पर आप लगातार जो है वो अधिकारी कर्मचारियों को डराने धमकाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी यहां मौजूद हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर जिस तरीके से कल जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया उसको लेकर अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग अधिकारियों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तंत्र होता है प्रशासनिक, उसके बगैर व्यवस्था नहीं चल सकती है। कभी किसी अधिकारी को डराना धमकाना, अव्यवहारिक भाषा बोलना, ये कांग्रेस के नेचर में नहीं, चरित्र में नहीं। पर ये तो पूछना पड़ेगा ना कि अगर लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है तो दोषी कौन है, क्या कारण है कि यहाँ पर इतने अपराध बढ़ गए, क्या लॉजिक है इस बात का कि बीजेपी का प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, ये सवाल नहीं पूछे। ये मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा ना कि आपने घोषणा पत्र वचन पत्र को रामायण और कृष्ण का या गीता या रामायण के हिसाब से बताया था, आज तक उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। ये भी नहीं पूछा, ये नहीं पूछा हम कि मुख्यमंत्री जी से 6,000 रुपये किसानों के सोयाबीन के भाव है तो आप पूरे किसान के बेटे रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं जाग रही है। ये नहीं पूछे कि आप 3,000 रुपये 100 करोड़ रुपये रोज कर्जा क्यों ले रहे। ये नहीं पूछे मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी आपको बताना पड़ेगा कि आपने तो ये कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसान घाटे में क्यों जा रहा है, कर्जदार क्यों हो रहा है, 80,000 रुपये पर किसान कर्जे में क्यों है। ये नहीं पूछे मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार 3C की हो गई, कर्ज क्राइम और करप्शन की। कैसी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपको काम करना पड़ेगा। आपने 9 महीने में एक भी वचन पत्र का पालन किया हो जिसको आपकी बीजेपी की शासन ने दिया हो तो जरा मुझे बताएं। वो मैं आज चिट्ठी लिख रहा हूं उनको कि घोषणा पत्र का कौन सा काम आपने किया, कृपया अवगत कराएं। तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनता के यदि काम नहीं होंगे तो विपक्ष होने के नाते वो सवाल करेंगे और सवाल करना भी अगर सरकार को बुरा लग रहा है तो फिर कहा ही क्या जा सकता है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो वादे जनता से किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, चाहे MSP को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, यही कारण है कि कांग्रेस लगातार सड़कों पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही हमने हाल ही में सुना है शैलेंद्र की जीतू पटवारी जी का ये भी कहना है कि जो प्रशासन है वो सवाल नहीं करें क्या कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम क्यों कर रहे हैं। ये जो संगीन आरोप लग रहे हैं क्योंकि जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं जाहिर सी बात है वो तो व्यवस्थाओं को लेकर काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं अपना अपना काम करते हैं, लेकिन इसे कार्यकर्ता के रूप में कह देना ये तो कहीं ना कहीं अपमान है, भी वाकई में अपमान है कर्मचारियों का। शैलेंद्र,
देखिए जिस तरीके से सरकार के जो कर्मचारी हैं वो लगातार बेहतरी के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई जिस तरह के आरोप लगा कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं कि वो बीजेपी के तौर पर काम कर रहे हैं, यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भी इस पर पलटवार किया और कहा है कि कर्मचारी अधिकारियों का अपना सम्मान है, उस सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कम से कम कांग्रेस के नेता तो ना करें। हालांकि मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है, मुद्दे उठाइए, लेकिन जो कर्मचारी हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये गलत हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जहां भोपाल से ही खबरें जारी होगी, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी किसान न्याय यात्रा के बाद कार्यकारिणी जारी होगी, कार्यकारी अध्यक्ष के जरिए साधे जाएंगे जातिगत समीकरण, दलित क्षत्रिय ब्राह्मण नेता को बनाया जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग से आते हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व का संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी जारी होगी, किसान न्याय यात्रा के बाद जारी होगी कार्यकारिणी, कार्यकारी अध्यक्ष के जरिए साधे जाएंगे जातिगत समीकरण, दलित क्षत्रिय ब्राह्मण नेता को बनाया जाएगा कार्यकारी अध्यक्ष। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी जारी होने वाली है, जल्दी ये सामने आ जाएगी? बिल्कुल, देखिए लगभग 9 महीने का समय आज के आसपास हो गया जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान मिली थी, लेकिन 9 महीने से लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब कार्यकारिणी सामने आएगी। अब जो जानकार बता रहे हैं, जो कांग्रेस के अंदर खाने से खबर मिल रही है कि किसान सम्मान जो न्याय यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है, जैसे ही यात्रा पूरी होगी उसके बाद मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी सामने आ जाएगी। देखिए जातिगत समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए पहले भी हमने देखा था अध्यक्ष के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे पिछले कार्यकाल में, तो इस बार भी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे उसमें वो दलित का चेहरा भी होगा और सवर्ण चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग से खुद प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, तो ऐसे में सभी वर्गों को साधने का प्रयास जो है इस कार्यकारिणी में किया जाएगा। और उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर जो है वो जीतू पटवारी की नई कार्यकारिणी जो है वो तैयार हो जाएगी। देखिए लगातार बीजेपी इस पर सवाल खड़े करती है कि एक लंबा वक्त गुजर चुका है और ऐसे में अब तक जीतू पटवारी की कार्यकारिणी सामने नहीं आ पाई है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ न कुछ गड़बड़ी के आरोप जो है वो लगातार कांग्रेस पर बीजेपी लगाती आई है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि कार्यकारिणी बनाने में समय लगता है, सभी वर्गों से बात की जा रही है, सभी कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है, और जो लोग लगातार फील्ड में काम करते रहे, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या फिर जो अभी आंदोलन जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, उस सब आंदोलन में जिसकी भागीदारी रही है, ऐसे नेताओं को इस कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर खबर दुर्ग से है, वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है, आरपीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, विशाखापट्टनम से लौटते वक्त महासमुंद में घटना हुई है, कल किया गया था वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल, ट्रेन के उद्घाटन से पहले घटना हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया और पथराव करने वाले 5 आरोपियों को आरपीएफ ने गिरफ्तार भी कर लिया है। विशाखापट्टनम से लौटते वक्त महासमुंद में ये घटना हुई है, कल किया गया था वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल, ट्रेन के उद्घाटन से पहले ही इस घटना को अंजाम दिया गया। तो सवाल यह कि आखिरकार क्यों इन्होंने ये पथराव किया है, हालांकि आरपीएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल ही ट्रायल हुआ था और लॉन्चिंग के पहले ही ये घटना घटित हुई है, जहां वंदे भारत ट्रेन पर पथराव कर दिया गया, विशाखापट्टनम से लौटते वक्त महासमुंद के पास ये पथराव हुआ है, और कल ही ट्रायल पूरा हुआ और इसके पहले ही उद्घाटन के पहले ही ये पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। जो 5 आरोपी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। वंदे भारत ट्रेन पर इन्होंने पत्थर से हमला कर दिया, पथराव कर दिया, और इस दौरान कुछ हल्का स्क्रैच भी आया है ट्रेन में। तुरंत आरपीएफ ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सवाल यह भी कि क्या और भी कुछ लोग शामिल हैं, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गया। मिथिलेश, क्यों ये पथराव किया गया है, क्या इसमें और भी लोग शामिल थे? अभी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। ये पूरी घटना जो है, कल वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल लिया गया था, जो ट्रेन दुर्ग रवाना होकर विशाखापट्टनम गई थी और विशाखापट्टनम से जब लौट रही थी उसी दौरान ये महासमुंद जिले में घटना हुई है, जहां पर बागबहरा के पास में कुछ अज्ञात लोगों ने वहां पे पथराव कर दिया था। इसकी पूरी जांच की गई, क्योंकि एक बड़ी घटना थी, इसकी जांच जब की गई तब 5 आरोपी संदेही पकड़े गए, जिसे पूछताछ करने में उन्होंने घटना करना खारिज किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ट्रेन जो है वो दुर्ग पहुंच गई है और अब ट्रेन जो है वो कल रवाना होने वाली है। इसके पहले ये रेलवे के लिए चुनौती होगी कि जो जो ट्रेन में दरार आई है
उसको कैसे ठीक किया जाए। तभी फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि कल जब ट्रेन रवाना होगी उसके पहले जो क्षतिग्रस्त हुए हैं कांच उनको किस तरह से ठीक किया जाए। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और अब सुधार कार्य भी किया जाना है ताकि जल्द से जल्द इसे फिर से पटरी पर लाया जा सके। खबर रतलाम से, जहां गणेश पंडाल में पथराव मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। रतलाम पहुंची बीडी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति में विधर्मियों के साथ खड़े हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ परोसकर समाज का वातावरण बिगाड़ने वाले नेता हैं। बड़ी जानकारी रतलाम से, जहां गणेश पंडाल में पथराव मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन लोगों का जिन्होंने पथराव किया, दिग्विजय सिंह जी आप समर्थन करते हैं, और दिग्विजय सिंह जी की आदत, कारण क्या है देखिए, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आज आप क्वेश्चन क्यों करते मुझसे, क्योंकि उन्हें काम ही यही बचा है कि हमारे पास कोई मुद्दे नहीं है, कुछ बचा नहीं है, तो तुष्टिकरण की राजनीति में विधर्मियों के साथ खड़े हो जाओ, विधर्मियों के साथ खड़े होंगे तो हम चर्चा में आएंगे। तो ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह आज से नहीं, अरे कहीं की मस्जिद और कहीं मध्य प्रदेश में बता करके भगवा ध्वज लगा करके दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, आपको ध्यान में होगा। इतना झूठ बोलने वाला नेता, इतना झूठ परोस करके समाज का वातावरण बिगाड़ने वाला नेता दिग्विजय सिंह, आज वो उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती। खबर रतलाम से, जहां गणेश पंडाल में पथराव मामले में बड़ी खबर है। कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, जहां अपर कलेक्टर आईएएस मंडलोई करेंगे मजिस्ट्रियल जांच, 7 दिनों में जांच कर सौंपनी होगी रिपोर्ट। स्टेशन रोड थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। हंगामा के 4 दिन बाद एसपी राहुल लोढ़ा का ट्रांसफर हुआ। बड़ी खबर आपको देने हैं रतलाम से, जहां गणेश पंडाल में पथराव मामले में बड़ी खबर है। कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, अपर कलेक्टर आईएएस मंडलोई करेंगे मजिस्ट्रियल जांच, 7 दिनों में जांच कर सौंपनी होगी रिपोर्ट। इंदौर में सटोरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सट्टा संचालन करने वाले के ठिकाने पर की छापेमारी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर लग रहा था सट्टा, पुलिस ने सट्टा संचालन करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 1 लैपटॉप, 19 मोबाइल बरामद किए गए हैं। करोड़ों के हिसाब किताब लिखे डायरी भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां सटोरियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सट्टा संचालन करने वाले के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर लग रहा था सट्टा, पुलिस ने सट्टा संचालन करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 लैपटॉप, 19 मोबाइल भी बरामद किए गए। करोड़ों के हिसाब किताब लिखे डायरी भी बरामद हुए हैं। और खबर भोपाल से, जहां पर महापुरुषों की स्मृति में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए हैं। महापुरुषों के नाम पर होगी पुलिस बटालियन। वहीं सीएम के निर्देश के बाद नाम परिवर्तन की कवायद भी तेज हो चुकी है। भोपाल शहर की सीमा बनेंगे भोज द्वार। भोपाल में 3 दिवसीय भोज देव महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां महापुरुषों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को लेकर निर्देशित किया है। महापुरुषों के नाम पर पुलिस बटालियन होंगी। सीएम के निर्देश के बाद नाम परिवर्तन की कवायद तेज हो चुकी है। भोपाल शहर की सीमा बनेंगे भोज द्वार और भोपाल में 3 दिवसीय भोज देव महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। खबर इंदौर से, जहां पुलिस ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया है। अनंत चतुर्दशी और ढोल 11 के जुलूस से पहले फ्लैग मार्च निकाला गया। अलग अलग इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च, जहां सुरक्षा शाखा ने BDDS ने किया मॉक ड्रिल। पुलिस ने जुलूस से पहले दिखाई अपनी व्यवस्था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पुलिस ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया है। अनंत चतुर्दशी और ढोल 11 के जुलूस से पहले फ्लैग मार्च निकाला गया। अलग अलग इलाकों में निकाला गया फ्लैग मार्च, सुरक्षा शाखा ने BDDS ने किया मॉक ड्रिल। पुलिस ने जुलूस से पहले अपनी व्यवस्था दिखाई। और अब तस्वीरें दिखाते हैं मंडला की, जहां कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने सफाई का जिम्मा उठाया है। वे आर्मी के जवानों के साथ मिलकर सड़क की सफाई के लिए झाड़ू उठाई। स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत
आर्मी कैंप से लेकर नेहरू स्मारक तक की सड़कों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई और अपने आसपास के वातावरण को साफ करने का निर्देश भी संदेश भी दिया गया। राजधानी भोपाल में गणपति विसर्जन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां प्रेमपुरा खटलापुरा घाट समेत अन्य घाटों पर विसर्जन के लिए इंतजाम किए गए हैं। छोटी प्रतिमाएं तालाब की जगह कुंड में विसर्जित की जाएंगी, तो वहीं बड़ी प्रतिमाओं के लिए क्रेन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने पिछले सालों में हुए हादसों से सबक लेते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। घाटों पर जवानों की तैनाती की गई है और क्या कुछ इंतजाम देखिए इस रिपोर्ट में। तो खटलापुरा विसर्जन घाट पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं ये आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो छोटी प्रतिमाएं हैं उन्हें एक कुंड में विसर्जित किया जाएगा और जो बड़ी प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं के लिए क्रेन की व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में लगातार जो हादसे हुए हैं उससे सबक लेते हुए घाट के पास इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। भोपाल में डोल ग्यारस के दिन से बप्पा की विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त में खटलापुरा घाट पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, क्योंकि बड़ा तालाब है और तालाब में पहले हादसे भी हो चुके हैं, यही कारण है कि यहां पुलिस की तैनाती भी की गई है। और इसके साथ ही देखिए तालाब की जगह कुंड बनाया गया है ताकि जो लोग तालाब में मूर्ति का विसर्जन न करें बल्कि ये जो कुंड बनाया गया है इसमें जो है विसर्जन किया जाए। तो जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। छोटी प्रतिमाएं इसमें विसर्जित की जाएंगी और जो बड़ी प्रतिमाओं की अगर मैं बात करूं उस लिहाज से यहां पर क्रेन की व्यवस्था जो है वो की गई। तस्वीरों में आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये क्रेन यहां पर रखी गई है ताकि जो बड़ी प्रतिमाएं यहां पर आएंगी उनको इस क्रेन के जरिए इस तालाब में विसर्जित किया जाएगा। तो देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से राजधानी भोपाल के इस खटलापुरा घाट पर एक हादसा पेश आ गया था, उसके बाद कुछ लोगों की जान भी गई थी, यही कारण है कि इन जो असावधानियां थी या जो लापरवाहियां थी उससे अब सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने इस बार व्यापक इंतजाम यहां पर किए हैं ताकि जो लोग भी गणपति बप्पा की विदाई करने आ रहे हैं या विसर्जन करने आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि कल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने तमाम जो घाट हैं जहां पर विसर्जन किया जाना है उनका भी निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे। तो आज से सिलसिला शुरू हो गया और अनंत चतुर्दशी तक इस तरह का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कैमरा मनीष सागर के साथ साइलेंस सिंह, न्यूज 18 भोपाल।